खाद्य तेल तिलहन की कीमतों में एक बार फिर से निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिली है और दूसरी तरफ कच्चा पाम तेल यानी सीपीओ के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल कच्चा पाम तेल से पामोलिन बनाने में प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियों को नुकसान बैठता है और सही भाव न मिलने से सीपीओ तेल में गिरावट देखी गई है और विदेशों में सोयाबीन तेल का भाव मजबूत हुआ है, जिसका असर देश के सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और बिनोला जैसे हल्के खाद्य तेलों पर भी हुआ है और इनके तेल तिलहनों के भाव बढ़ गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सरसों तेल सहित सभी हल्के खाद्य तेल तिलहनों की पेराई में प्रोसेसर्स को नुकसान है। ये मिले तिलहन की खरीद ऊंचे भाव पर कर रही हैं, लेकिन बाजार में तेल के दाम पेराई के बाद की लागत से भी कम होती हैं। आयातित तेल सस्ता होने से किसी भी तेल का उसके सामने टिकना मुश्किल हो गया है। वहीं किसानों को अपनी उपज के लिए पहले अच्छे दाम मिल चुके हैं, इसीलिए मौजूदा समय में कीमतों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने पर भी किसान पिछले भाव से कम होने से अपनी उपज की अधिक बिक्री नहीं कर रहे। दरअसल हल्के तेलों की पेराई की कमी से सबसे बड़ी दिक्कत खल और डीओसी को हो रही है, जिसका मवेशी चारा और मुर्गी दाने के लिए उपयोग होता है। इससे महंगाई पर असर डालने वाले दूध, मक्खन, पनीर, मुर्गी और अंडे के दाम बढ़ते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राहकों को सस्ता खाद्य तेल उपलब्ध कराने के लिए देश में सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के शुल्क मुक्त आयात की छूट का कोटा तय किए जाने के बावजूद खाद्य तेल सस्ते नहीं हुए हैं। दरअसल इस कदम से बाकी आयात कम हो गया है और थोक में इन्हीं तेलों के दाम प्रीमियम पर मिलने के कारण और महंगे हो गए हैं। अब बाजार जानकारों का कहना है, सरकार या तो आयात शुल्क लगाकर आयात को पूरी तरह खोल दे या फिर ये तय कर दे कि सिर्फ तेल खली और डीओसी केक का निर्यात करने वाले कारोबारियों को ही शुल्क मुक्त आयात की छूट मिलेगी। ऐसा करने से समान आयात शुल्क दर पर खाद्य तेलों के आयात की स्थिति में सुधार होगा और उधर देश में किसानों के पास बगैर खपत वाले बचे स्टॉक खत्म हो जाएंगे। आगे किसान बुआई के लिए प्रोत्साहित होंगे और देश में पशु आहार और मुर्गी दाने के लिए जरूरी खल और डीओसी की मात्रा भी उपलब्ध हो जाएगी। बाजार जानकारों का कहना है कि देश सालाना लगभग 2,40,00,000 टन खाद्य तेलों की खपत करता है, जबकि देश में दूध उत्पादन का स्तर लगभग 13 करोड़ टन है। मुर्गी दाने और पशु आहार की कमी होने से दूध और दुग्ध उत्पादों के साथ अंडे, चिकन के दाम भी बढ़ेंगे और महंगाई बढ़ जाएगी और इसी के चलते विदेशों में सोयाबीन के भाव मजबूत होने से फिलहाल भारतीय बाजारों में खाद्य तेल के कीमतों में तेजी देखने को मिली है और किसानों द्वारा सस्ते दाम पर बिकवाली कम करने और इन हल्के तेलों की जाड़े की मांग होने से भी फिलहाल कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।